हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। कैंसिल? बट सर, मैं तो अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी। फिर अब? ड्राइवर, यू टर्न लेना। बस 2 मिनट में आ गया। विक्रम, पिटोगे तुम मुझसे। चलो। What's up, guys? Hi, guys. Hi. वो दोनों कहाँ है? अरे वो तो हमसे पहले आ गए थे। अच्छा तुम बैठो तो। मुझे याद आया वो कहाँ है। उन लोगों को ना मौका चाहिए बस रोमांस करने का। विक्रम, इसे कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है। बोलो कहाँ हो बे तुम? रास्ते में थे, तुम्हारे वजह से यूटर्न मारना पड़ा। अच्छा किया बेटे जो यूटर्न मार लिया तुमने, वरना तुम्हारे कांड का लाइव टेलीकास्ट ना पूरे कॉलेज को दिखा देता। चल
अच्छा आ रहा हूँ, फोन रख। इसने खुद तो कभी किस नहीं किया, इसे क्या मालूम। चले। तुम्हें बोला था ना आंसर शीट दिखाने के लिए, ये तो एग्जाम पेपर करते ही रफू चक्कर हो गए यार। भाई चीटिंग करते हो तुम्हारे साथ हम भी फंस जाते हैं ना। हाँ हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे ही तो मिलने वाला है। तुम लड़कियाँ क्या मतलब लड़कों को सी समझते हो क्या? ये बताने की जरूरत है क्यों शैली? ये सी तो नहीं है, he's quite smart and I like his attitude. Thank you शैली। क्या thank you? मैं ना गला दबा दूंगी तुम्हारा। अरे यार तुम फिर लड़ने लग गए। अर्जुन विक्रम से सीखो कुछ। हर लड़की का ख्वाब होता है विक्रम जैसा बॉयफ्रेंड होना। उदिता यार कभी कभी ना तुझसे बहुत जेलसी सी होती है मुझे। काश विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड होता। ओए जेलसी की दुकान, इस पे नजर मत डालो, विक्रम सिर्फ मेरा है, समझी? अच्छा अच्छा ये सब बातें छोड़ो और एक सीरियस बात बताओ, अब कॉलेज खत्म हो रहा है तो किसी ने करियर के बारे में कुछ सोचा है? मतलब मुझे अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन है यार। टेंशन? तुझे किस चीज की टेंशन यार? टेंशन तो हम सबको होना चाहिए, तेरे बाप का तो बिजनेस है। सही है। I know, but मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊँ। हाँ, और खुद की पहचान की बात ही कुछ और होती है। That's right. अच्छा तो ऐसा कर वंश, अपने बाप को बोल के मेरे को गोद ले, मैं उनका बिजनेस संभाल लूँ। ठीक है, कल ही पापा को बोल दूँगा, खुश होंगे वो। बस एक बार मैं एयर हॉस्टेस बन जाऊँ, फिर मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। उदिता, उदिता, उदिता गेट खोलो। हैप्पी बर्थडे। चुप रहो तुम, कब से वेट कर रही थी। अरे तुमको सरप्राइज देना था ना। अच्छा गेट खोलो। नहीं। गेट खोलो। नहीं खोलूंगी। प्लीज गेट खोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Udita, happy birthday to you. Thank you. तुम्हारा gift. इसमें क्या है? अरे अंदर जाके देखो ना. Okay. Wow यार कितनी सुंदर लग रही हो तुम Udita. अच्छा चलो केक काटते हैं. ये क्या है? मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसा अतरंगी सा केक। हमारा प्यार भी तो अतरंगी होता था। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। कैंडल के जगह मैचस्टिक। यार वो ना मैं तुम्हारा बर्थडे ना भूल गया था। बट आई प्रॉमिस सिर्फ तुम्हारा बर्थडे ही नहीं, मैं हर दिन इतना ही स्पेशल बनाऊंगा। पर ऐसा अतरंगी टाइप चलेगा ना? तुम्हारे साथ सब चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना।
बताओ कभी जुदा कर पाओगी हमारे इस पहले एहसास को खुद से? घंटो तैयार हुए फिर नशा शुरू गाड़ी में वीआईपी लॉज च बैठे दर्जन बड़े मारी दे खिंच दिया फोटो घर गए दिन चार जवानी दे नचते फिर हिला कट गए डुमके ज मारी दे नशा चढ़ा मुझे तेरा आपस तू आ मुझे यूं न सता ये आग लगी जो बस तू ही बुझा दिल को चुराने आई है तू कर ले जो भी करना वे आज आग लगाने आई है तू बचना नहीं या सजना वे होश नहीं है मुझे पास आज मेरे हाथ तेरे मेरे हाथों से ना छूने आग लगाई तूने तुझसे ही तो बुझे आज मिली है जो तू आज मुझे मुझे खुल के खुलने दे होठों को होठों से मिलने दे बस आज तू मुझको रोक मत सांसों को सांसों में घुलने दे दिल को चुराने आई है तू कर ले जो भी करना वे आज आग लगाने आई है तू बचना नहीं और सजना वे नशा चढ़ा मुझे पीली है नीट मने तो और इसको मैं जाके दे मिलते हैं बेबी दोनों गोने में जाके दे मिलता नहीं मौका ऐसा सूखे में पानी वे चल आजा भूल के ले ले मजे तू जवानी के नशा चढ़ा मुझे तेरा नशा चढ़ा मुझे तेरा तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? ये क्या है विक्रम? मैंने तो फिर ट्रस्ट करके उसको घर ड्रॉप करने के लिए भेजा और तुम? उदिता जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ उदिता। मैं ऐसा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उदिता हर रिश्ता सिर्फ एक लफ्ज पे टिका होता है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट मी उदिता। चलो अब हम सिमरन से ही पूछ लेते हैं। चलो मेरे साथ। ओके ओके फाइन आई एम सॉरी विक्रम। मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं देख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई अंडरस्टैंड उदिता, पर हमारा रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए ना, इनसिक्योर नहीं। तुम सही हो। पता है विक्रम, अगर इस दुनिया में मैं किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो तुम हो उदिता। मेरी तो दुनिया ही तुम हो। आई लव यू टू। पर तुम्हारा प्यार बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को। सॉरी। अच्छा चलो चलते हैं काम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो उठो जल्दी, कॉफी ठंडी हो रही है। कोई नहीं, तुम भी सो जाओ और मेरे को भी सोने दो। ज्यादा सोने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप तैयार हो जाओ, जल्दी उठो।
जिसकी इतनी हॉट गर्लफ्रेंड हो उसका और काम में कैसे ही मन लगेगा। अच्छा बहुत रोमांटिक बन रहे हो। इट्स नॉट वर्किंग। उठो ऑफिस के लिए रेडी होना है। अच्छा एक बात पूछूं, क्यों ना हम लिव इन में रहने लग जाए? सी हमारे एक्सपेंसेस भी आते हो जाएंगे एंड तुम्हारा इंस्टीट्यूट भी यहाँ से पास है। सो कैसा था इंटरव्यू? बहुत क्राउड था यार, बट इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। हे रुको रुको रुको, क्या हुआ? आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंगो। हाँ थैंक यू भाई। कम लो। यू लाइक मैंगो? क्या हुआ तुम खुश नहीं लग रहे? हाँ एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जॉब करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परिवार तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी इजाज़त नहीं देगा। इनफैक्ट जब तुम इस इंटरव्यू के लिए जा रही थी मैं तभी तुम्हें रोकने वाला था, पर तुम्हारी खुशी देखकर मैं कुछ कह नहीं पाया। बट मैं जॉब करना चाहती हूँ। चलो विक्रम। एक बात बोलूं तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। तुम्हें जॉब छोड़े हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। तुम्हें पता है ना हमें पैसों की कितनी जरूरत है, तुम फिर से जॉब पकड़ लो ना। तो जॉब ही तो ढूंढ रहा हूँ मैं उदिता, तुम्हें सिर्फ पैसे ही दिखते हैं क्या? कौन से जॉब तुम्हारे लायक है? 6 महीने में 2 जॉब छोड़ चुके हो तुम। तुम इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो? मैंने ये डिग्री ये छोटी जॉब करने के लिए नहीं ली है। तो कौन कह रहा है कि वो जॉब हमेशा करने के लिए? बस नेक्स्ट जॉब तक ही तो करना है या मेरी जॉब लगने तक? विक्रम तुम सुन रहे हो? विक्रम मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आजकल तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ उदिता बोलो। यार वंश मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्या हो गया? विक्रम ने जॉब छोड़ दी है और मेरी जॉब का तो अब तक पता नहीं। तुम एक बार उससे बात करो ना, शायद तुम्हारे समझाने से वो मान जाए। उस बेवकूफ से मैं बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ, पर तुम टेंशन फ्री होकर अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच वंश। क्या हुआ विक्रम, तू बड़ा परेशान लग रहा है। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। देख यार तुझे इतना तो मैं पहचानता हूँ कि देख के बता सकूँ तू किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। बता क्या हुआ? यार बस उदिता का बिहेवियर। अब उसके बिहेवियर को क्या हुआ? यार हमारे रोज के डिस्कशन का सिर्फ एक ही टॉपिक है, मेरी जॉब। वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं मन मार के काम नहीं कर सकता। देख इसमें ना तू गलत है ना वो गलत है, आई थिंक तुम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मैं समझने के लिए तैयार हूँ पर कोई मेरे को भी तो समझो। एक बात बता, अब क्या तूने फिर से जॉब छोड़ दी है? हाँ बस आजकल में ही। देख अगर तू कहता है तो मैं किसी से तेरे जॉब के लिए बात करूं?
वंश, मैं यहाँ तुझसे हेल्प मांगने नहीं आया हूँ। तू मेरा दोस्त है, एक दोस्त से दिल की बात करने आया हूँ। उदिता भी मेरे को नहीं समझ रही, एटलीस्ट तू तो समझ। विक्रम देख, मैं भी तुझे समझता हूँ और उदिता भी तुझे समझती है, पर क्या है ना, लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिसे तू नहीं समझ रहा है यार। विक्रम, आराम से वंश, अटक जाएगा गले में। अरे आज सुबह सुबह पापा ने सिंगापुर के क्लाइंट के साथ मीटिंग रखी है, जल्दी निकलना है मुझे। हाँ लेकिन ब्रेकफास्ट तो आराम से करो। वंश, शैली का कॉल आया था। क्या बोल रही थी? उसके ऑफिस में ना जॉइनिंग है, तो मैं घर पे बोरी होती हूँ तो मैं जॉइन कर लूँ। सिमरन, हम एक बार इसके बारे में बात कर चुके हैं और ये बात सुन के पापा कितना गुस्सा हुए थे। मेरी मॉम कभी हमारे ऑफिस नहीं गई आज तक। तुम्हारे मॉम के टाइम की बात बहुत अलग थी, और तुम्हारे ऑफिस में भी तो लड़कियां काम करती है ना। सिमरन देखो, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, ये बात मैं समझता हूँ। ये बात पापा को कौन समझाएगा? और किस बात की कमी है तुम्हें? इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, नौकर भी है, बस एक चीज की कमी है, बच्चों की। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, शादी के बाद वो भी पूरी हो जाएगी। और मैं ना बच्चों को बहुत बिगाड़ने वाला हूँ, तुम उनकी खूब पिटाई करना। तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना, वही काफी है जिंदगी जीने के लिए। और तुम्हें तो पैसे उड़ाने चाहिए यार, हर लड़की का सपना होता है शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल ही उल्टी हो। अच्छा जी, अब देर नहीं हो रही तुम्हें। ओहो देखो, आज फिर तुम पापा से मुझे डांट खिला देती। तुम्हें तो पढ़नी चाहिए। अच्छा जाओ अब, नहीं तो सच में डांट पड़ेगी। अच्छा सुनो, तुम विक्रम को कॉल कर देना, हम सब मिल रहे हैं, मैं उदिता को बता दूंगी। ठीक है, बाय। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? ऐसे ही वॉक पे गया था। वॉक पे? अच्छा, आज तक कभी वॉक पे नहीं गए? क्या तुमने कोई नई गर्लफ्रेंड बना ली है? सोच रहा हूँ बना लूँ, बट तुम्हारे जैसा क्यूट फेस कहीं मिलता ही नहीं है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? हम बालकनी में हैं, लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, प्यार करने में कैसी शर्म? छोड़ो ना, इंस्टीट्यूट के लिए रेडी होना है और तुम्हें ऑफिस के लिए निकलना है। हेलो विक्रम। हाँ वंश बोल, कॉल कैसे किया? आज शाम का याद है ना? भाई आज शाम को क्या है? अबे साले तू फिर से भूल गया, बताया तो था हम सब मिल रहे आज शाम को। हाँ मैं आ जाऊंगा। सुन, हमेशा की तरह लेट मत करना, टाइम पर पहुंच जाना आज। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा, चल मिलते, बाय बाय। हाय अदिता, कहाँ है तू यार? एयर हॉस्टेस क्या बन गई? सबको भूल गई, दोस्ती यारी सब गई भाड़ में। अरे बस कर, ब्रेक लगा, अभी एयर हॉस्टेस की जॉब मिली नहीं है, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और मैं घर पे हूँ। ये बता कॉल क्यों किया? हाँ वो क्या है ना, हम लोग प्लान कर रहे थे छोटा सा गेट टुगेदर, तो शाम को याद से आ जाना। ठीक है, वैसे मुझे कुछ काम था पर ठीक है, टाइम पे आ जाऊंगा। ओके सी। हाँ ठीक है। इतना बड़ा हो गया, एक जॉब क्या लग गया, वो सारे दिन भूल गया जब बिलाती वॉशरूम ढूंढता था। अरे याद है, इसलिए तो आज की पार्टी मेरी तरफ से है ना।
रहन दे, हमेशा की तरह बिल मैं ही पे करूंगा। अरे आज तो दे लेने दे, बहुत सारी पार्टी ले तुम लोगों से। अरे बहुत हुआ तुम दोनों का, हम लड़कियां इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल पे नहीं कर सकते। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, अपना बिल तो खुद पे कर लेंगे। सूर्या हाँ ऑफ कोर्स, हम सब दोस्त हैं तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कुछ नहीं होता, ठीक है? दोस्तों में सिर्फ प्यार और इमोशंस होते हैं, तो बिल मैं ही पे करूंगा, है ना सिमरन? या या। हाँ। आज का बिल वंश को देने दो, हमारी दोस्ती में चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, तो बिल मैं ही पे करूंगा, हमेशा की तरह मैं ही पे करूंगा। एक्सक्यूज मी वंश, यू नो आई एम सो लकी टू हैव यू। आई एम लकी टू हैव यू टू। तो अब हम शादी की बात कर ले घर पे। जल्दी करते हैं, क्योंकि अब हम दोनों को हमारे जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। उदिता, उदिता क्या हुआ? उदिता तुम इतने गुस्से में क्यों हो, बताओ तो। आज तुमने वो सब देखा क्या? रहने दो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अरे साफ साफ बताओ तो, हुआ क्या? क्या फायदा, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा बताओ। आज सब बिल पे करके हमें दिखा रहे थे कि वो सब सेटल्ड है और हमारे पास पैसे तक नहीं। पता है मुझे कितनी शर्म आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है उदिता। बोला था मैंने तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। आज अगर तुम्हारी जॉब होती तो हम भी बिल पे करने के लिए बोलते ना। हाँ तो पकड़ लूंगा ना कोई जॉब। चिल्ला मत विक्रम, अगर हिम्मत नहीं थी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तो लिव इन के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ सब मेरी ही गलती है, मैं भी तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस रोज रोज के ड्रामे से। मैं भी कोई खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ रह के। तो चली जाओ ना, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ अब। खत्म कर सिलसिला, आरिया पार कर दे बीच में ना चला। इतनी तो खुददारी दिखा, कह दे मुझे सब खत्म हुआ। खत्म है रिश्ता खत्म है प्यार, इतना रहम तो कर दे यार। यूं ना चला बेरुखी से सा, मैं क्यों जीऊं और मरूं ऐसे। रिश्ते में हो जिसमें आधा प्यार, यार मेरा हो यार मेरा हो यार मेरा खुद कर्ज हुआ। यार मेरा हो यार मेरा हो यार मेरा खुद कर्ज उदिता, 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 कहाँ हो तुम? वो एक्चुअली मैं इंटरव्यू दे रही थी।
एंड गेस व्हाट विक्रम, बड़ी खुश लग रही हो। आई गॉट द जॉब। ओह कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी कल के लिए। आई लव यू विक्रम। आई लव यू टू। मुझे भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा घर कितने बजे तक आओगी? आज जल्दी आ जाऊंगी, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। इतना सुकून दरिया किनारे मैं और तू, दरिया गहरा मेरी कश्ती वो सहारा जो है देती वो है तू, वो है तू, वो है तू। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह इतना जुनून दर्द हो तेरे जलता मैं हूँ, आग जलती मेरे दिल में जिसके बिन जल जाऊंगा मैं, वो है तू, वो है तू, वो है तू। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा उठो कॉफी पी लो, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। एक बात कहना है तुमसे। बोलो। तुम प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगे। देखो जॉब को छोड़ के कोई भी बात करूंगी मैं प्रॉमिस गुस्सा नहीं करूंगा। हेलो। यस सर। हाँ बाय।
उदिता, तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट इज रेडी, आ जाओ। उदिता, मुझे पता है तुम क्यों गुस्सा हो। मैं जल्द से जल्द कोई जॉब पकड़ लूंगा, आओ कुछ खा लो। हेलो। हाँ सर, बस निकल रही हूँ। विक्रम सॉरी, मुझे जाना होगा, लेट हो रहा है। हाय उदिता। सिमरन, आई गॉट द जॉब। पार्टी कब दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, जल्द ही पार्टी करते हैं। बिना पार्टी लिए ना छोड़ूंगी मैं तेरे को। एक्चुअली सिमरन, मैं तुमसे कुछ और बोलना चाह रही थी। हाँ बोलो ना। वो एक्चुअली विक्रम। बट इस बार क्यों? वही पहली वाली बात, जॉब सेटिस्फेक्शन। सिमरन, तुम एक काम कर सकती हो क्या? हाँ बोलो। और उसे बोलो कि उसकी या किसी और की कंपनी में विक्रम के लिए जॉब लगवा दे। ठीक है, मैं आज ही वंश से बात करती हूँ। थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक्स वाली कोई बात नहीं है। बाय। चलो बाय। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ जस्ट उदिता और विक्रम के बारे में सोच रही थी। हाँ आजकल उन दोनों की लाइफ में बड़ी टेंशन चल रही है। उदिता का कॉल आया था आज, वैसे तो उसकी जॉब लग गई है। ये तो अच्छी बात है, फिर परेशान क्यों? पर वो बोल रही थी कि। क्या बोल रही थी? विक्रम ने फिर से जॉब छोड़ दी। उसे पिछली बार भी समझाया था पर उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार तुम ट्राई करो ना, क्या पता समझ जाए। मैंने कहा था उसे पिछली बार, अगर चाहिए तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, जॉब लगवा देता हूँ, पर नहीं, वो तैयार ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? आई नो वंश, बट वो लोग हमारे फ्रेंड्स है ना, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना उनको। और कहीं इस वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आ जाए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। और देखना, शादी के बाद दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, विक्रम भी और उदिता भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ना तो अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अच्छा, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? हाँ मेरी मम्मी कहती है। अच्छा फिर तो मुझे भी जल्दी रिस्पॉन्सिबल होना है। हाँ क्यों नहीं, तो हम भी जल्दी से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। फिलहाल लॉन्ग ड्राइव पर चले। हाँ तुझको मिलने से पहले मैंने जी, तूने खुशियों से भर दी जिंदगी में, मैं तेरा तू मेरी। जाए रुक जरा मेरे साथ ही आ, मेरा रब तुझे ही मेरा खुदा, तेरी हाँ में हाँ तेरी ना में ना। वो जिंदगी लगती फीकी जो तुझको मिलने से पहले मैंने जी, तूने खुशियों से भर दी
जिंदगी में मैं तेरा तू मेरी उदिता, उदिता, उदिता सुनो ना। हाँ सुन रही हूँ, बोलो। उदिता प्रॉब्लम ही यही है कि तुम सिर्फ सुन रही हो, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। प्लीज विक्रम, आज मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यार जब से तुम्हारी जॉब लगे तुम हमेशा अपने फोन पे ही लगी रहती हो, कभी मुझसे भी बात कर लिया करो यार। मैं यार तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मैसेज पे लगी पड़ी हो। यार तुम्हारा बॉस चाहता क्या है तुमसे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दिन पर दिन बदलती जा रही हो उदिता। यार ये चाहता क्या है? विक्रम इनफ। अरे वंश, तू इतनी सुबह सुबह? क्यों, तुझसे मिलने नहीं आ सकता? अरे बिल्कुल आ सकता है यार, अंदर आ। अच्छा क्या लेगा, चाय, कॉफी, फ्रेश जूस? मैं जूस लेके आता हूँ तेरे लिए। अरे एक मिनट, तू बावर्ची वाले काम करते रहेगा कि लाइफ में कुछ सीरियस काम भी करेगा? सुना तूने फिर से जॉब छोड़ दिया? अरे यार वो मैं उस जॉब से सेटिस्फाइड भी नहीं था और वो जॉब मेरे लायक भी नहीं थी। यार ये जॉब सेटिस्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अब मुझे देख ले, अपने पापा के ऑफिस में काम करता हूँ, पर क्या मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है? नहीं है यार, लाइफ में ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उठानी पड़ती है। तू टेंशन मत ले, उदिता ने तेरे जॉब के लिए मुझसे बात की थी और अब तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी कुछ करता हूँ, दो चार दिन में तेरी जॉब लगवा देता हूँ। उदिता ने तुझे मेरी जॉब के लिए कहा था? नहीं मतलब उदिता ने सिमरन से कहा और सिमरन ने मुझसे कहा। बट एक सेकेंड, अगर उदिता ने डायरेक्टली मुझसे कहा होता तो उसमें गलत क्या था? वो जो भी कह रही है, जो भी कर रही है, तुम दोनों के फ्यूचर के बारे में ही सोच के तो कर रही है ना। अरे क्या फ्यूचर देखेगी वो मेरा, उसको तो लग रहा है मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं उसकी कमाई खा रहा हूँ। उसका दिन पर दिन बिहेवियर बदलता जा रहा है यार। विक्रम उदिता समझदार है, वो जो भी कर रही है सोच समझ कर कर रही है, पर तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, तू चीजें तभी समझेगा जब तुझे समझनी होती है। चल मैं निकलता हूँ, नहीं तो मैं अपने जॉब के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ निकलना यार, तेरे को किसने बोला समझाने के लिए, जा। ये यहाँ? एक सेकंड, आप ये क्यों कॉल कर रही है? आई एम सॉरी। हाँ बोलो। अब तो गुस्सा थूक दो। अर्जुन, तू क्या कर रहा है इसके साथ यहाँ पे, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ है तेरा फोन? नौकर नहीं मैं तेरा, जब भी तू फोन करे उठा लो। बड़े बदले बदले तेवर लग रहे आज तेरे, इसकी वजह से बदला है ना तू? तुझे जैसा समझ रहा है समझ लेना, ठीक है? और मैं तुझे साफ साफ बता देता हूँ, मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं शैली से प्यार करता हूँ, समझी? और बहुत झेले तेरे ड्रामे। क्या ड्रामे झेले तूने मेरे? तूने अब सुन लिया ना, चल निकल यहाँ से। हम कितने दिनों बाद बाहर डिनर करने आए हैं ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम फोन पे लगी हुई हो। उदिता, ये तुम्हारा बॉस तुम्हें घर आने के बाद भी क्यों मैसेज कर रहा है? इसको चैन नहीं है क्या? तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए? मैंने तुम्हारे मैसेजेस चेक नहीं करे, मैं बस देख रहा था कि किसका मैसेज आया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, घर बैठे बैठे कुछ काम तो करते नहीं, बिना बात पे शक करते रहते हो, तभी तो
उस दिन सिमरन ने मुझे आई लव यू मैसेज किया था और तुमने कितना बड़ा ड्रामा शुरू कर दिया। उदिता मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस नॉर्मली पूछ रहा हूँ। चिल्ला मत विक्रम, और हाँ सब कुछ मैं ही तो करती हूँ क्योंकि तुम तो कुछ करते नहीं। मुफ्त की रोटी ठूसने में जो मजा आने लगा है, ना काम करो ना मेहनत, सब कुछ फ्री में तो मिल रहा है। उदिता रुको। हे हाय, मैं करण। कोई नहीं, इंटरव्यू देने आया हूँ। वैसे आप सोच रहे हो मैं क्या देख रहा था? मैं ना इस होटल की थोड़ी बहुत जानकारी ले रहा था, क्या पता कुछ पूछ लें होटल के बारे में। वैसे आप भी इंटरव्यू देने आई हैं? हाँ, इंटरव्यू देने आई हूँ। क्यों? गुड, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वैसे मैं क्या सोच रहा था, अगर हम दोनों को यहाँ पर नौकरी मिल जाती है ना, हम दोनों साथ में यहाँ काम करेंगे, और मुझे लगता है ना हम दोनों की जोड़ी ना इस होटल का बिजनेस बढ़ा देगी, इसका नाम रोशन कर देंगे हम। अरे पहले जॉब तो मिलने दो, और हमेशा इतना बोलते हो। यार आपको तो पता ही है, अब जैसे कि आप मान लो मैं आपको अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, और अगर मैं आपको इम्प्रेस करने में पास हो गया तो लाइफ के इंटरव्यू में भी पास हो गया। मतलब? कुछ नहीं। अबे तुम तो डायरेक्ट लाइन मार रहे हो, हर किसी लड़की को ऐसे इम्प्रेस करते हो क्या? अब तुम्हें क्या बताऊँ, इम्प्रेस तो मैं बहुत करता हूँ, पर यार पटी नहीं अभी तक कोई। अगर आप हाँ कर दो ना तो मैं अपना ये इम्प्रेस करने का सिलसिला यहीं खत्म कर दूंगा, क्या ख्याल है आपका? अरे यार। विकी ओपन। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। चलें? हाँ। हाउ आर यू डूइंग? विक्रम, ये मेरे बॉस है कैप्टन अविनाश। अविनाश, दिस इज विक्रम। पहले तू फोन पे रहता था, अब तू घर भी आने लग गया है। विक्रम, क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? विक्रम तुम पागल हो गए हो, कैसे बातें कर रहे हो? ये मेरे बॉस है। ये बॉस नहीं है तेरा, मैं जानता हूँ, ये बॉयफ्रेंड है तेरा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ क्या बोल रहा है तू, झेलती कैसे हो तुम? क्या बोला? विक्रम कॉलर छोड़। विक्रम स्टॉप इट। आई सेड लीव द ब्लडी कॉलर। चलो कैसे टॉलरेट कर सकते हो तुम इस बदतमीज इंसान को? उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ सर, I'm really sorry. No, it's not about sorry. It's just that कि वो कितना बदतमीज है, तुम उसे टॉलरेट क्यों करती हो? कल रात उसने मुझ पर हाथ उठाया। What? हाथ उठाया? You know what? इस लड़के से ब्रेकअप करो और मूव ऑन करो, he is just not worth it. नहीं कर पा रही हूँ सर, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ। एयर होस्टेस बनना मेरा ड्रीम था सर, जो मेरे पेरेंट्स ने पूरा नहीं किया, उसने पूरा किया। उसके एहसान है मुझ पे सर, इसलिए उसे टॉलरेट कर रही हूँ। तो एक एहसान के लिए पूरी जिंदगी खराब कर दोगी क्या? उदिता, दिस मेक्स नो सेंस। ही इज मैड, वो एकदम पागल है, और तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो इट्स योर लाइफ, पर आई थिंक तुम्हें उससे ब्रेकअप करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। हे, कैसे हो तुम लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया, तुम बताओ? एकदम बढ़िया। ये कौन है? ये करण है यार, मेरा नया नया दोस्त। मैं करण। हाय। भाई बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपकी, थोड़ा हुनर हमें भी सिखा दो। वो क्या है कि ये बात अभी सिर्फ दोस्ती तक पहुंची है। तुम फिर से शुरू हो गए? थोड़ी देर के लिए अपना विविध भारती बंद करो। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ क्या काम था? यार हम दोनों को ना जॉब चाहिए, अगर तेरी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो। जॉब तो नहीं है यार मेरे पास। गाइस चिल, मजाक कर रहा था, अपना ही ऑफिस है, जब चाहिए ज्वाइन कर लो कल से। भाई दोस्त तो तेरे जैसा, एक बार बोला और हाँ भी कर दिया,
अब देखना तेरी कंपनी की चार चांद लगा देंगे हम। हाँ हाँ, जैसे उस होटल के लगाए थे। चुप कर। थैंक यू सो मच यार वंश। यार ये थैंक यू छोड़ो, बट टाइम पे जॉब पे आना। सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय। उदिता, उदिता, गुड मॉर्निंग। Get up. So, morning tea. Thank you, sir. How are you feeling now? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। बताओ क्या हुआ? तुम बहुत दिनों से परेशान हो। कुछ नहीं हुआ। कोई भी बात हो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। Okay. अगर तुम्हें कभी भी बात करने का मन करे तो I'm there. चलो, go get ready. We'll get late for the airport. Okay? Good. मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। ये प्लीज बंद करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। उदिता तुम अब भी गुस्सा हो ना? लाइट तो बंद करो ना। उदिता, I'm really sorry कल के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने कुछ खाया? मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। उदिता, रियली रियली सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों ऑन कर दिया? मैंने लाइट ऑन इसलिए करी होती था ताकि तुमको दिखा सकूं कि तुमने मेरे साथ क्या गलत किया है। अब मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है विक्रम? ये क्या है? अभी मैं ही गलत हूं होती था? ये लव बाइट्स के मार्क? ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कोई रोमांस करने नहीं आया था, मैं ये प्रूफ लेने आया था कि तुम मुझे चीट कर रही हो। तुम अपने उस न्यू बॉयफ्रेंड कैप्टन के साथ फिजिकल होके आई हो आज। बस बस करो विक्रम, तुम्हें हो क्या गया है? और ये लव बाइट नहीं है, गले में स्कार्फ लगाते समय की ये हो जाता है, निशान बन जाते हैं। जी विक्रम, तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? ये शक ने मेरा पूरा कैरेक्टर गलत कर दिया। तुम्हारा कैरेक्टर तो पहले से ही गलत था उदिता, मैंने आज तुम्हारी आंखें खोली है। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं कैसी लड़की के साथ इतने सालों से रिलेशनशिप में हूँ। तो छोड़ दो ना मुझे, चले जाओ यहाँ से। यही तो प्रॉब्लम है ना उदिता, ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना ही इस घर को। तुम्हारी हरकतें भी साथ में रहने वाली नहीं है ना। और रही बात इस घर की, तो ये घर मैं चला रही हूँ, तुम नहीं। तो साफ साफ बोल दो ना कि बोझ बन चुका हूँ मैं तुम पे। हाँ बोझ बन गए हो तो, और ये बोझ मैं नहीं ले सकती। माफ करो मुझे, निकल जाओ यहाँ से।
हेलो सिमरन, विक्रम वहाँ आया है क्या? नहीं तो, बस अब ठीक है ना? वो बात ये है कि हाँ हाँ एक मिनट, वंश वंश उदिता हाँ उदिता वंश सुनो, तुम प्लीज जाके विक्रम को ढूंढो ना, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। विक्रम घर से गायब है, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो वंश तुम प्लीज प्लीज जाके उसे ढूंढो। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं। विक्रम तू कहाँ है बता? मैंने तुझे कहा था ना वो बदल गई है, पर तू नहीं माना। तुझे पता उसने मुझे चीट किया है, उसका चक्कर है उसके बॉस के साथ। विक्रम तू कहाँ है पहले ये बता मुझे। मैं नहीं बताऊंगा वरना तू उदिता को लेके आ जाएगा। अरे वो नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। बता तू कहाँ है? हमारा झगड़ा हुआ है और मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। विक्रम तू कहाँ है ये बता सिर्फ मुझे। मैं लक्ष्मण चूड़े के नीचे हूँ। तू वही रुक, मैं अभी वहां आ रहा हूं। विक्रम तू यहाँ क्या कर रहा है? यार उसने घर से निकाल दिया मुझे। चल घर चल। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा कभी। अरे अपने घर मत जा, पर मेरे घर तो जा सकता है। चल पागल मत बन, चल मेरे साथ आजा। आओ महाशय आओ। पता है कल रात कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था तूने? वैसे तो कभी पीता है नहीं, कल क्या हो गया था? यार कल नशे नशे में मैंने क्या हरकत करी, गुस्से गुस्से में मैं अपना आपा खो दिया, पता नहीं क्या क्या किया है। मैं बताता हूँ ना क्या किया है। पता है उदिता कितनी परेशान थी, हम कितने परेशान थे। आई एम सॉरी यार वंश। सॉरी बोलना है ना तो जाके उदिता को बोल, पूरी रात वो टेंशन से सोई नहीं है। अच्छा आज शाम को हम सब मिलते हैं, अर्जुन का प्रमोशन भी हुआ है और इनवाइट किया उसने हमें, तो विक्रम तुम उदिता को लेकर आ जाना। ठीक है, तो ये भी और वो लिपस्टिक कराओ, जरा टेस्ट कराओ इनको।
वंश, वो उदिता है ना? हाँ, पर वो यहाँ क्या कर रही है? और ये कौन है उसके साथ? पता नहीं। एक काम करो, तुम जाके उदिता को मिलो, मैं पे करके आता हूँ। तुम लोग यहाँ? हाँ। अब ये है मेरे बॉस, कैप्टन अविनाश। हाय। हाय। हाय, आई एम वंश। नाइस टू मीट यू। क्या कर रहे हो यहाँ? विक्रम के लिए शॉपिंग कर रही थी। वेरी नाइस। अब उदिता, आई नीड टू लीव। ओके। ऑलराइट, सी यू गाइस। सी यू। नाइस मीट। नाइस टू मीट यू। अरे ये परफ्यूम कैसा है? बहुत अच्छा है और मार्केट में न्यू है। यू शुड ट्राई। नहीं यार, मैंने बहुत शॉपिंग कर ली है। अरे टेक दिस ना, बहुत अच्छा है। क्यों वंश? टेक दिस। हाँ हाँ, हम दोस्त हैं, गिफ्ट है, रख लो। ओके, मुझे निकलना है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अरे तो हम छोड़ देते हैं, हम भी निकल ही हाँ? रहे हैं। नहीं, मुझे एक तो काम है, मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है, सी यू गाइस। बाय। ओके बाय। अच्छा सुनो, हाँ? मुझे वहाँ कुछ देखना है, वहाँ चलते हैं। पक्का? हाँ। और कुछ लेना तो नहीं है? नहीं। फिर मत कहना। अरे सर, आप यहाँ किसका वेट कर रहे हैं? कैब का। तो आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे दो तीन जगह जाना है, सो आई विल मैनेज दैट वर्क, बट यू गाइस कंटिन्यू। ठीक है, वैसे भी अब तो मिलना होते ही रहेगा, है ना? यप, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आओ। वंश, तुमने उदिता और उसके बॉस को देखा मॉल में? कहीं विक्रम का शक सही तो नहीं था? विक्रम से ज्यादा शकी तो मुझे तुम लग रही हो। बताया तो उसने, वो विक्रम के लिए शॉपिंग करने आई थी। पर वंश, तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? मतलब बॉस का और उदिता का साथ में शॉपिंग करना, फिर बॉस का वहां से चले जाना। मैं अभी विक्रम को सब कुछ बता देती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पहले से उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अब ये बात तुम विक्रम को बताओगी तो ऐसे में आदमी का क्या भरोसा? हो सकता है पागल हो जाए। पर वंश। सिमरन, तुम्हें मना किया ना मैंने? ओके, नाउ स्माइल। चलो। हेलो उदिता यार, मैं कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर आपका फोन बिजी आ रहा है। हाँ, रास्ते में हूँ, अभी पहुँचने ही वाली हूँ, बस 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। ओके बाय। इज एवरीथिंग ओके? यस यस, विक्रम का कॉल था। ऑफ कोर्स। I'm so sorry, बाबा, प्लीज गुस्सा मत होना। वो क्या हुआ ना, मेरा फोन बंद हो गया, मेरे पास चार्जर नहीं था, किसी के पास भी चार्जर नहीं था। तो फोन कैसे ऑन हुआ? वो कैब में चार्ज किया ना मैंने। प्लीज विक्रम, प्लीज यहाँ के बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्लीज आज गुस्सा मत हो, प्लीज, हमारे प्यार के लिए। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, ना जाने क्या क्या सोच रहा था मैं। इतने सारे बैग्स। वही तो, मैं शॉपिंग गई थी तुम्हारे लिए, और फिर मीटिंग्स और काम। ये देखो, अच्छी लगी? अच्छा है। चलो तो मैं चेंज करके आती हूँ, आज हम घूमने जाएंगे, ठीक है? रेडी होके आती हूँ। उदिता,
उदिता इधर आओ। क्या हुआ? तुम कहाँ मेरे साथ बाहर जाओगी? तुम्हारा ये आशिक कैप्टन बाहर जाने नहीं देगा मेरे साथ में। बात कर लो इससे पहले। तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। ये देखो, फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है। मुझे जाना पड़ेगा। बाय। ड्राइवर, गाड़ी होटल अमारिस पे ले लो। चलो भैया। यस मैम। मुझे एक रूम चाहिए, अवेलेबल है? ओके, यस। मैम, आपका फुल नेम दिस साइड, आपका रूम नंबर 303 एंड सिग्नेचर दिस साइड। रूम नंबर 303 एंड सिग्नेचर। भोला राम। यस सर। रूम नंबर 303। नमस्ते मैडम, वेलकम टू आवर होटल। हमारी सर्विस 7-स्टार होटल से भी बढ़िया है। भोला राम आप, थैंक यू सर। मैडम दिस वे प्लीज, आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आइए मैडम, आइए मैडम। हमारे होटल में सबसे बेस्ट इंस्टेंट सर्विसिंग है। आपको जो भी सर्विसिंग चाहिए आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको 5 मिनट में प्रोवाइड करवाता हूँ। मैम, एक बार आप हमारे होटल में रहेंगे ना, आप 7-स्टार होटल पे भी नहीं जाएंगे। व्हाई? बिकॉज़ वी प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज, इंस्टेंट सर्विसेज। रूम नंबर 303। मैम, दिस इज योर लकी रूम। प्लीज वेलकम मैम। अब क्या बताएं मैम, आपको मालूम नहीं इस आलिशान कमरे में बड़े बड़े स्टार्स आकर रुकते हैं, है ना हमारा कमाल का होटल। थैंक यू मैम। वेलकम। एक मिनट अभी। हेलो सिमरन, मैंने तुम्हें कहा था ना उदिता का चक्कर है उसके बॉस से, आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। विक्रम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ तुम ही देख लो क्या कुछ सहन कर रही हूं मैं। कभी कभी तो मन करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। और कितना सब्र करूं यार। अच्छा तुम आ जाओ ना एक बार मिलने। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं। वंश है क्या? वंश भैया तो पार्टी में गए हैं। और सिमरन? वो भी उनके साथ पार्टी में गई हैं। आप अंदर आ जाइए। आप कुछ लेंगे सर? कोल्ड ड्रिंक या जूस? एक ग्लास फ्रेश जूस बना दो। ठीक है आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। भोला राम,
यस सर। वैसे तो गेस्ट की कोई बुकिंग नहीं है, अगर कोई गेस्ट आए तो उसे हैंडल कर लेना बिना अपनी पोएम सुनाए। ओके डोंट वरी सर, आई विल हैंडल योर जॉब परफेक्टली, यू जस्ट रिलैक्स सर। ओके डोंट वरी। पक्का आ जाएगा, कंफर्म सर, कंफर्म। ओके सर, थैंक यू सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेलकम टू आवर प्रेस्टिजियस होटल द अमारिस। टेल मी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? भोलाराम एक कमरा है क्या? अरे सर कमाल हो गया, आपको तो मेरा नाम भी मालूम है। कमाल ही करते हैं हम भोलाराम। सर आप अपना आईडी दे दीजिए और ये रजिस्टर में आप एंट्री कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव योर आईडी प्लीज? तुम्हारी शादी हो गई है भोलाराम? सर हमारी तो बीवी भी है और साथ में दो बच्चे भी हैं। कभी गिफ्ट दिया है बीवी को? क्यों मजाक करते हो साहब? साहब हम तो हर महीने की पूरी तनख्वाह अपनी बीवी के हाथ में दे देते हैं, और जो ऊपर का टिप मिलता है ना उससे हम अपने बच्चों का खर्चा पानी चलाते। भोला राम हा? कल बीवी को ना एक अच्छा सा गिफ्ट लेके देना। ये सब क्या है, इतना सारा पैसा? अब देखो भोला राम, 3 घंटे में मेरी फ्लाइट है, अब 3 घंटे के लिए तुम क्या बुकिंग करोगे? होटल के पास पैसा जाएगा, इससे बढ़िया तुम अपने पास पैसा रख लो और रूम दे दो। सर क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं आपको एक बढ़िया सा कमरा देता हूँ, एकदम बढ़िया सा कमरा है मेरे पास। अच्छा भोला राम, ये 303 के सामने वाला कमरा मिल सकता है क्या? 303 के? हाँ हाँ सर मिलेगा ना, अरे मेरे पास बढ़िया कमरा है 303 के सामने। चलिए सर मैं आपको अच्छा कमरा दिखाता हूँ, आप आइए मेरे साथ, आइए आइए सर, आइए सर। दिस वे सर। सर आपको जब भी रूम की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा, बस एक फोन कर दीजिए मैं पूरा तामझाम कर लूंगा। और सर ये रहा लकी नंबर 304, वेलकम सर। अंदर आइए सर, ये देखिए सर, है ना आलीशान कमरा। सर रूम नंबर 304 इज वेरी लकी। सर आपके जैसे 2-3 कस्टमर्स हर रोज हमारे होटल में आते रहेंगे ना, तो हर वेटर की बीवी हमेशा खुश रहेगी। भोला राम हाँ? हर वेटर तुम्हारे जैसा स्मार्ट थोड़ी होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा भोला राम मुझे ड्रिंक्स चाहिए, मिलेंगी क्या? हाँ हाँ सर जरूर मिलेगी, आप हुकुम कीजिए, मैं अभी इंतजाम करता हूँ आपका, मैं यूं गया और यूं आया। ओके सर। सर पेश करते हैं आपके लिए स्पेशल वीआईपी ड्रिंक। अंदर आ जाओ भोला राम। थैंक यू सर। सर आप भी क्या याद करोगे भोला राम को, आपको कुछ भी चाहिए एक फोन लगा दीजिए, 5 मिनट में ये बंदा हाजिर हो जाएगा। भोला राम अभी तो तुम मेरे बहुत काम आओगे। अरे सर आपकी सेवा में ये बंदा हमेशा हाजिर रहेगा, एंजॉय योर ड्रिंक एंड हैव अ प्लेजेंट डे। थैंक यू सर। और मैं ये बोझ नहीं ले सकती, मुझे माफ करो और निकल जाओ यहाँ से। यार ये चाहता क्या है? विक्रम इनफ, चिल्लाओ मत विक्रम,
और हाँ, सब कुछ मैं ही तो करती हूँ, क्योंकि तुम तो कुछ करते नहीं। मुफ्त की रोटी ठूसने में जो मजा आने लगा है, ना काम करो ना मेहनत, सब कुछ फ्री में तो मिल रहा है। विक्रम बोलो। मैंने तेरे को बोला था ना, इसका चक्कर चल रहा है उस कैप्टन के साथ। तू मेरी बात मानता नहीं था साले, आज मैं उसको रंगे हाथ पकड़ने आया हूं। मतलब? उस कैप्टन के साथ वो होटल रूम में है भाई। विक्रम तू कौन से होटल में? अमारिस। आज छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। विक्रम तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता वंश, बहुत हो गया ये। मैं तेरे घर से तेरी गन भी ले आया हूं, आज मैं उसके बॉस को जान से मार दूंगा। मैं 304 में रुका हूं। ठीक है, देख तू शांत रह, मेरे वहां आने तक रुक, तू कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं वहां। क्या हुआ, टेंस क्यों लग रहे हो? विक्रम का फोन आया था। क्या बोल रहा था वो? वो इसी होटल में है। क्या? अभी वो? हाँ। अभी वो यही पे है? सिर्फ इस होटल में नहीं, तुम्हारे सामने वाले कमरे में है। और वो मेरे घर से जाके मेरी गन भी लेकर आया है तुम्हारे बॉस को मारने। क्या वंश, सुनो, वो पागल हो गया है, हमें पुलिस को बुलाना होगा। देखो सिमरन भी यही है और विक्रम भी यही है, हम इस समय पुलिस को नहीं बुला सकते, क्योंकि विक्रम समझता है तुम्हारा अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ है, और अगर पुलिस यहाँ आएगी तो यहाँ तुम्हारा बॉस नहीं मैं मिलूंगा। वंश मुझे पता नहीं, तुम बस पुलिस को बुला लो। देखो उदिता, ये सही समय नहीं है, अभी हम किसी को सच नहीं बता सकते। जैसे ही सही समय आ जाएगा हम सबको सच बताएंगे, विक्रम को, सिमरन को, सबको। प्लीज मुझ पर विश्वास रखो, इस समय नहीं। अब मैं जो कहता हूं ना तुम सिर्फ वो करो, ओके? देखो तुम डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूं। एक काम करो, विक्रम को 304 में इंटरकॉम करो। उससे क्या होगा? मैं जो कह रहा हूं वो करो। उसने उठा लिया। ओके। हेलो।
वंश, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? कहा ना कुछ नहीं, पानी देना जरा मुझे। पानी। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? विक्रम मेरे घर से मेरी बंदूक ले आया है, वो उदिता के बॉस को मारना चाहता है। सुनो, हम दोनों चलते हैं, विक्रम को समझाते हैं। नहीं नहीं, तुम यही रहो, मैं विक्रम के पास जाता हूँ। मैं भी चलूं? मैं उसे बात करता हूँ, तुम यहाँ अपना ध्यान रखो, मैं विक्रम के पास जाता हूँ। गेस्ट ने आपके लिए ये स्पेशल वाइन भिजवाई है। साइन इट प्लीज। थैंक यू मैम। क्या कर रहे हैं? मैं वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो मैं यहीं रुक गया। सर प्लीज रूम में जाइए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर सर प्लीज, आप प्लीज चले जाइए। सर पकड़ लिया ना तेरे को आज मैंने। विक्रम नहीं, विक्रम ये तेरी नौकरी, ये तेरी ट्रेनिंग। मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कैसा है फिर, क्या सोच रहा हूँ? तुम अब भी बोल रही हो कि मैं इसे छोड़ दूँ? मैंने तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ा इसके साथ उदिता। ऐसा कुछ नहीं है विक्रम, एक बस एक बार मेरी बात। जी तो करता है तुम्हें भी मार दूँ, पर तुम्हें प्यार इतना करता हूँ कि तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकता उदिता। पर मैं इसको तो मार दूंगा। हाँ याद आया, मैंने वंश को भी यहाँ बुलाया, मैं उसको ये सारा तमाशा दिखाऊंगा। उदिता विक्रम, विक्रम ये सब क्या? विक्रम मैं इसको मार दूंगा। विक्रम, स्टॉप इट, मैं इसको मार दूंगा आज, समझी? मार दूंगा। विक्रम प्लीज ड्रॉप द गन। विक्रम गन छोड़। विक्रम प्लीज, विक्रम गन छोड़। उदिता तुम पीछे हो। विक्रम विक्रम ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज मैं मार दूंगा इसको। सुनो विक्रम, स्टॉप इट प्लीज। विक्रम विक्रम पिक अप द फोन। हेलो पुलिस स्टेशन सर, दिस इज एन इमरजेंसी सर, हमारे होटल टामारिस में गोली की जोर से आवाज आई है सर। सर हम बोला ना, वेटर बोल रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, हम खुद डरे हुए हैं सर। आप जल्दी से पुलिस फोर्स भेज दीजिए सर। सर प्लीज जल्दी से भेज दीजिए। हाँ सर मैं सभी कस्टमर्स को बोलता हूँ कि वो लोग रूम में ही रहे, रूम से बाहर नहीं निकले। मैं अभी सबको कॉल करके कहता हूँ। ओके सर जल्दी से आइए प्लीज। थैंक यू। ओह शिट, युद्धता का फोन मेरे पास कैसे रह गया?
विक्रम तुम? उदिता अंदर है। तो विक्रम, ये तूने क्या किया विक्रम? मैंने तुझे बोला था ना मेरे आने तक कुछ मत करना, क्या किया तूने? यार तू तो जानता है मैं उदिता को नहीं मार सकता था यार। तू जानता है मैं इसे कभी नहीं मार सकता था, पर अब तू इसे मार दे। ले, तू मेरा दोस्त है ना, मैंने तेरा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है ना वंश, आज तू मेरा साथ दे और इसको मार दे। विक्रम देख, वो बात अलग थी पर ये तो मर्डर कर रहा है। अरे मार दे इसको, आज इसको मार दे। नहीं विक्रम, विक्रम देख, तू एक मर्डर ऑलरेडी कर चुका है, ये दूसरा मर्डर क्यों करना चाहता है? इस समय तुझे सोचना चाहिए कि यहां से निकले कैसे। वंश तू सही कह रहा है, तू ऐसा कर, तू यहां सब साफ कर, मैं अपने रूम में सब साफ करता हूं, फिर यहां से निकलते हैं, ठीक है? मैं चलता हूं वंशा। करो ना वादा वो निभा ना सकते जो, करो ना वादा वो निभा ना सकते जो, बस यूं ही सब खत्म सारे वादे सारी कसम, कह दो ये झूठ है थे हम एक दिल दो जिस्म, कल तक था तू मेरा कल होगा अजनबी, जवाब तो देता जा ऐसी क्या गलती हो गई। सकते जो करो ना वादा वो निभा ना सकते जो, करो ना वादा वो निभा ना सकते जो, करो ना वादा वो निभा ना सकते जो। अपना माना था तुझे तू तो गैरों सा भी नहीं, सोचा क्यों तूने नहीं ये गलत है या सही, दुनिया कहती है सही प्यार का कुछ पता नहीं, तुम चाह लो जितना भी होता है जो होना वही, करो ना वादा को निभा ना सकते जो, करो ना वादा वो निभा ना सकते जो, करो ना वादा वो निभा ना सकते जो, करो ना वादा वो निभा ना सकते जो। फोन किसने किया था? सर मैंने ही आपको कॉल किया था, हमारे होटल में गोली चली थी। सर
आपके ऑर्डर के मुताबिक सारे कस्टमर्स अपने अपने रूम्स के अंदर ही है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली है। सर सब लोग डरे हुए हैं। हर्ष, यस सर, तुम एक काम करो, दोनों को लो, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, ठीक है, सारे फ्लोर को, रूम को अच्छे से चेक करो। ओके सर, आओ। उदित, यस सर, तुम मेरे साथ आओ। ओके। सुनो, इसे भी साथ लाओ। I love you, Udita. I love you so much. अरे सर, आप कहाँ जा रहे हो? होटल में गोली चली। सर, आपकी शर्ट पे खून कैसे? मैंने ही मर्डर किया है भोला राम 303 का। अपने 303 की मैम का? Oh my God! इसीलिए आपने मुझे रिश्वत देकर बिना एंट्री रजिस्टर में झांककर मैम के सामने वाला कमरा मांगा था ताकि तुम उसका मर्डर कर सको। राइट बोला राम, कितने समझदार हो तुम। मुझे पता था तुम मेरे बहुत काम आओगे। Now you have to help me, बोला राम। Help me? Yes. हेल्प मी, याद आ गया सर। मैम ने बिल पे साइन करने से पहले वहां सिग्नेचर नहीं किया था, हेल्प मी लिखा था। वो आपसे अपनी जान बचाने के लिए मुझसे हेल्प मांग रही थी, मगर अफसोस कि उस वक्त इस गधे ने नोटिस ही नहीं किया था। भोला राम, ये मैंने क्या कर दिया? भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सर, होटल में पुलिस आ गई है, अब आप बचोगे कैसे? कैसे? हाँ भोला राम, अब तुम बचाओगे ना मुझे? कौन, मैं? हाँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नो सर, मैं आपको हरगिज नहीं बचाऊंगा। मैं माना कि मैं लालची हूं, बट यू आर अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। शांत भोला राम, शांत। पुलिस को क्या बताओगे? हाँ? मैं यहाँ कैसे आया? मैं कौन हूँ? हाँ? मेरी रजिस्टर में एंट्री कहाँ है भोला राम? भोला राम, देखो, अगर मेरे को जेल होगी तो तुम्हें भी जेल होगी। हाँ? सोचो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे दो बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे भोला राम? तुम्हारी ये प्यारी सी नौकरी भोला राम, अब तो तुम्हें ही मुझे बचाना पड़ेगा भोला राम। Am I right? ठीक है, ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो। सॉरी उदिता, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए था। सो मच दोस्त, मेरी पीठ पे खंजर मारने के लिए। मेरा शक सही था पर शख्स गलत था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मेरे पिताजी ने ठीक कहा था, लालच बुरी बला है, बुरी बला।
क्या हो रहा है ये? इंस्पेक्टर साहब, ये मैंने नहीं किया, ये मर्डर मैंने नहीं किया, ये मेरे हाथ में दी गई है। वो, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये मैं जब यहाँ आया ना, ये ऐसे ही थे। क्या हो रहा है ये? क्या किया ये? इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं जब यहाँ आया ना, ये ऐसे ही थे। मुझे फंसाया जा रहा है, ये बंदूक मुझे दी गई थी। मैंने कोई खून। अच्छा, ये मृत पड़ी है, गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें कुछ पता नहीं। हेलो, ये सर? ठीक है सर, जी ठीक है सर, जी 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 बिल्कुल ओके। आप निश्चिंत होकर अपने रूम में जा सकते हैं, असली मुजरिम पकड़ा गया है। आपको जो प्रॉब्लम हुई है पुलिस वालों की वजह से, पुलिस उसके लिए माफी मांगती है। साहब मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? यहाँ भोला राम है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप भोला राम से पूछ सकते हैं। ठीक है, जाओ तुम। सर, आप प्लीज मेरी बात समझिए, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी और ने मर्डर किया है। सिमरन, इंस्पेक्टर साहब एक मिनट रुकिए, ये मेरी फियांसे है, इनसे पूछिए। हाँ सिमरन, एक मिनट सिमरन। हाँ प्लीज इन्हें बताओ कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, बताओ मैं तुम्हारे साथ था। तुमने ही मर्डर किया है। ये तुम क्या कह रही हो सिमरन? सिमरन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने नहीं मारा उदिता को। विक्रम और मुझे चीट किया तुमने, तुम पे ना मुझे उसी वक्त डाउट हो गया था जब तुम मेरे रूम में आए थे और तुम्हारी बॉडी से उसी के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्गली आ रही थी जो मैंने उदिता को गिफ्ट किया था। विक्रम का शक बिल्कुल सही था। तुम्हें जो बोलना है कोर्ट में बोलना, ले चलो इसे। मौत मेरी रिश्ता शमशान, मौत